Hello everyone, welcome to the Police Wala classes. My name is Anshuka and I am your maths mentor. So number classes, number system की हमने तीन classes अब complete कर चुके हैं. अगर किसी भी student ने number classes की first, second and third class नहीं देखी है तो I button पे click करके तीन classes देखो या फिर channel पे जाके playlist बनी हुई है वहाँ पे आप visit कर सकते हो. So basically आज हम number system की class number 4 करने वाले हैं. और class number 4 करने से पहले क्लास नंबर 1 and 2 and 3 जो कि बिल्कुल बेसिक पार्ट है आप उसको कीजिए क्योंकि विदाउट उसके आपको एक क्लास नंबर 4 है वो समझ में नहीं आएगी. तो मैं आपको इधर ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्लास नंबर 1 में हमने क्या किया था. सो बेसिकली क्लास नंबर 1 में हमने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, उसकी छोटी जो डिजिट है उसके बारे में हमने सीखा था. देन हमने फाइंड आउट डिजिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने डिस्कस किया था. क्लास नंबर 2 में हमने डिजिट्स हमारे पास गिवन थे हमें हमने नंबर फाइंड आउट करना सीखा था और हमने PYQs भी प्रैक्टिस किए थे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो नेक्स्ट ईयर या फिर उससे नेक्स्ट ईयर मतलब एग्जाम्स में आ सकते हैं हमने ये सब सीखा था. एंड क्लास नंबर 3 में हमने डेसिमल के बारे में सीखा था कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं उसके ऊपर हमने ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी. और मेरे अकॉर्डिंग क्लास नंबर 3 है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनने की ज्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि बेसिकली एग्जाम में पूछा जाएगा कि डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे. ये थोड़ा सा टफ पार्ट हो जाता है वो क्वेश्चंस को सोल्व करना टफ नहीं है बट क्या है कि थोड़ा सा हम क्वेश्चंस मतलब हमें समझ नहीं आता कि लैंग्वेज क्या लिख रखी है और हमें उसमें हम लॉन्ग मेथड यूज करने लग जाते हैं और जिससे जो क्वेश्चन है वो 5 से 6 मिनट वेस्ट हो जाती है और इससे हमारे पूरे पूरे सिलेक्शन में रैंकिंग आने में मतलब इफेक्ट दिखता है. सो बेसिकली हमने क्लास नंबर 3 में कैसे हम उसको 30 to 35 सेकंड में हम कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं उसको मैंने आपको फॉर्मूलाज या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ भी बोलना चाहो बोल सकते हो मैंने आपको वो सब करवाया था. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज हम क्लास नंबर 4 करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो मेनली आज के टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे मतलब ये है. तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ ये ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और काफी इजी टॉपिक है. इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन या फिर पूरी की पूरी इसकी पूरी की पूरी बातचीत हम एक चैप्टर है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि एडवांस मैथ्स का एक टॉपिक है उसमें हम करेंगे. बट इसमें नंबर सिस्टम में इसमें यूज हो रहा है मैं आपको फुल रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा छोटा छोटा टॉपिक को भी हम स्किप नहीं करेंगे हर एक टॉपिक को लेके चलेंगे. अच्छी बात हमारे लिए क्या है कि हमने यहाँ इसको डिस्कस कर दिया और इन में हम इसको वापस डिस्कस करेंगे तो हमारा प्लस पॉइंट हो जाएगा ये सब चीजें. और यहाँ पे हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं क्योंकि नंबर सिस्टम में इसका यूज है क्योंकि आप पता है नंबर सिस्टम में इसकी नंबर्स होते हैं तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हुए की नंबर है हमारे पास कोई भी टर्म्स और इसमें हम नंबर के बजाय टर्म्स यूज करेंगे. तो हमारे पास एक टर्म्स दे रखी है हमें इतना ही टर्म्स कहा था क्या बट हमारे पास लास्ट टर्म है वो गिवन है लास्ट टर्म एक्स है और फर्स्ट ये एक्स वाई ये जेड हमारे पास ये दे रखी है तो बीच में कितनी टर्म्स है वो आ रही है तो हमें ये फाइंड आउट करना है. सो इस वाले टॉपिक में हम इसे डिस्कस करेंगे. तो टॉपिक को शुरू करने से पहले टॉपिक में क्या क्या मतलब टर्म्स यूज हो रही है तो मैं वो आपको सबसे पहले बताती हूँ. टॉपिक में एक टर्म यूज होगी ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म. फॉर्मूले में एक ए यूज होगा इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म का मतलब है कि हमारे पास कोई मान लो ए दे रखा है मान लो 3, 5, 7, 9, 11 सो बेसिकली तो 3 है ना. मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल मान लो 3, 5, 7, 9, 11 हमें दिखता कहाँ से तक ये जा रही है तो जो हमारे पास ये 3 है ना बेसिकली हम इस 3 को क्या बोलेंगे ये हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब सेकंड जो चीज है वो डिस्कस करते हैं जो कि है डी जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस एक समान अंतर. और ये जो फॉर्मूला है मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स का फाइंड आउट करने का ये उसी में रहेगा जिसमें कॉमन डिफरेंस की जो कंडीशन है वो होगी. और होगी मैम कॉमन डिफरेंस की क्या कंडीशन होगी मतलब कि अगर हम वो करेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा फॉर एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं देखो एग्जाम्पल सेम लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11 कभी पूरी चल आप है ना इसमें से ये माइनस करो 5 में से 3 गए 7 में से 5 गए 9 में से 7 गया 11 में से गया 2 इसमें से गया 2 आगे भी सेम ऐसे क्या आएगा. अगर ये जो माइनस करने के बाद
ये सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे कॉमन डिफरेंस की प्रॉपर्टी है या फिर कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है, और उसके बाद ही नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो बेसिकली डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन या फिर ए थ्री माइनस ए टू, या इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉमन अगर मैं लिखूं तो ए एन माइनस बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं ए एन माइनस वन। एन मतलब मान लो यहाँ पे हमने एन की जगह फाइव ले लिया तो यहाँ पे फाइव माइनस वन हो जाएगा फोर, मतलब सिक्स में से फाइव, फाइव में से फोर, मतलब जो यहाँ पे लेंगे ना उससे एक माइनस, मतलब एक माइनस करके वो टर्म हम उसमें से माइनस कर दें। इस सेकेंड टर्म है तो फर्स्ट टर्म माइनस करिए, थर्ड टर्म है तो सेकेंड टर्म माइनस करिए। सो ओवरऑल हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि ए है ये डी है। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट चीज की जो कि है ए एन। ए एन है वो क्या होता है, ए एन होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए एन से। फॉर एग्जाम्पल थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, हमें इसका कहां तक है और ये दे रखा है कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट हमारे पास दे दिया 77, ठीक है। सो इसमें जो ये 77 है ना इसको हम बोलेंगे ए, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द लास्ट टर्म। आई होप आपको ये सब चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। और अभी मैं आपको बताती हूँ एन क्या होता है, एन होता है नंबर ओ। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने के फिर कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए इनफ। एन इज द नंबर ऑफ टर्म, ए एन इज द लास्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये ना मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये चार चीज मैंने आपको बताई सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे इसको नोट डाउन करके स्टार बना के, मतलब चार पॉइंट्स को आप हाईलाइट करके भी नोटबुक में लिख लीजिए, नीचे ये सब लिखना जरूरी ए इज द फर्स्ट टर्म पता चलेगा कि ये हमने टर्म्स लिए नंबर ऑफ टर्म्स लिए, जो थ्री है वो ए है और बी को आप ऐसे माइनस कर दिए टू टू सेम कॉमन आया तो कॉमन डिफरेंस हो गया, और वो आपके लिए मैं तो कितना आपके लिए ये नोट करके आप ये बड़ा पॉइंट लेंगे, आप सुन रंग बिरंगे पेंस का यूज कर रहे हो ये भी आप नोट करके ये चीज लिखिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके ये भी आप लिखो और ये सब चीजें आप नोट डाउन करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको पोस्ट करके वीडियो को जल्दी से नोट डाउन करो। अब इसी के ऊपर हम ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले, जैसे पी वाई क्यूज भी होंगे एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैं हमेशा आपको करवाती हूँ और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, सो बेसिकली हम वो करेंगे। कितने टू डिजिट नंबर है वो फॉर्म हो सकते हैं, तो देखो बिल्कुल इजी तरीके में आपको टू डिजिट नंबर हमें बताना है। तो जैसे कि हम एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें टू डिजिट नंबर, ये हो गया हमारे पास एक बॉक्स। अब एक बात बताओ टू डिजिट्स नंबर में बताना है कितने डिजिट्स होते हैं, टेन डिजिट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं वापस मैं आपको लिख रही हूँ, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जस्ट अ सेकंड, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड दिस इज नाइन। इसके अलावा आपको बताओ क्या इसके अलावा कोई डिजिट पॉसिबल है, नहीं, इन दस के अलावा कोई भी डिजिट है वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे लाख डिजिट्स होंगे या करोड़, नहीं, इनके अलावा कोई डिजिट पॉसिबल नहीं। सो फर्स्ट जो नंबर है ना इसको फिल करने के कितने वेज है, मतलब इसमें कितने डिजिट हम फिल कर सकते हैं, तो देखो जीरो तो हम एक बार बता दे दो, फॉर एग्जाम्पल 25 क्या है टू डिजिट नंबर, 35 क्या है टू डिजिट नंबर, 46 क्या है टू डिजिट नंबर, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे नंबर्स क्या है टू डिजिट नंबर। अब आप मेरे को एक चीज और बताओ
05 07 01. ये 2-digit नंबर है या फिर 1-digit नंबर है, बिल्कुल उन्हें सेकेंडरी नोटबुक में आंसर लिखो, क्या ये 2-digit नंबर है या फिर 1-digit नंबर है। आई थिंक आप सभी ने सही लिखा होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1-digit नंबर, क्योंकि ये तो आपको पता होगा 01। यहाँ 01 से क्या फायदा, कुछ नहीं है, डिजिट तो वो एक ही है ना, नंबर तो वही है कि 5 एक डिजिट नंबर है, 7 वन डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है। तो आई होप आपको इसी समझ में आ गई होगी कि आगे 01 से कुछ मतलब ये डिजिट एक ही माना जाएगा तो 1 डिजिट नंबर। सो ये भी आप जैसे नोटाउन करने को इसको जरूर लिखिए, आपको पता होगा आई होप कि 0 आगे आने से कोई वो फर्क नहीं पड़ता, कि अगर आपसे कोई पूछे कि 00007 कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5, अब ये मत लिख दे कि 5 डिजिट नंबर है, गलत हो जाएगा, सिर्फ 7 का मतलब है यहाँ, तो ये क्या है, 1 डिजिट नंबर। सो मैं आपको यही समझाना चाह रही थी, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो 2 डिजिट हमें यहाँ पर फोन करना है, सो एक बात बताओ, यहाँ पे 0 तो हम नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, 0 के अलावा क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 9 तक हम ले सकते हैं, 0 के अलावा हर चीज हम यहाँ पे ले, अगर हमने स्टार्टिंग में 0 डाल दे, इधर 5 डाल दे, तो फिर ये तो क्या हो गया, 1 डिजिट नंबर ही हुआ ना। सो यहाँ पे भरने मतलब यहाँ पे फिल करने के कितने वेज है, 9, मतलब 9 डिजिट्स को हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, 1 से लेके 9 तक, सिर्फ 0 को हम यहाँ पे छोड़। अब बात आती है सेकेंड वाले की, इसमें कितने हैं, अब आप बताओ, फॉर एग्जाम्पल 90, 80, 70, अब ये तो 1 डिजिट नहीं है ना, ये 2 डिजिट नंबर है, जाहिर सी बात है, वो तो अगर 0 आकर आ जाता है तो फिर हम लेते हैं उसको 1 डिजिट नंबर, अभी कितना है, अभी भी 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि 0 काउंट नहीं करेगा। आई होप आपको बिल्कुल बेसिक बात है वो पता होगी। सो अभी हम आगे चलते हैं, और ये मैंने 9 है ना, ये नंबर के लिए था, अभी कब पूछो कि 9 नंबर है, ये है 9, क्या है, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। सो अभी आप ये बताओ कि यहाँ पे हम कितने नंबर फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 0 फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 सारे कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर फिल करेंगे 10, सो आंसर हो जाएगा 9 नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, 10 नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा 90, मतलब 90 डिजिट्स हम, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, सो 90 नंबर्स कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग द 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट कितने नंबर पॉसिबल है, 90, और अगर बेसिक देखा जाए तो आपको पता है 90 नंबर ही होते हैं 2 डिजिट नंबर, जो कि होते हैं 10 से लेके 90। सो आई होप आपको ये चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी, जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, मैं साइड हो गई हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि आगे क्या। सो अभी ये क्वेश्चन हो गया, अभी हम आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, 2 डिजिट नंबर हमें बताना है, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब कि जो नंबर एक पर यूज हो चुका है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 55, अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में 55 आ गए और सेकंड में भी 5 आ गए, तो ये पॉसिबल, ये नंबर हमें पॉसिबल, मतलब ये नंबर हमें राइट डाउन नहीं करते, ऐसे डिजिट लिखना है कि अगर यहाँ पे 7 हो तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 हो तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 हो तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 हो तो यहाँ पे 9, ये सब नंबर हमें फॉर्म करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी एक इजी क्वेश्चन होने वाला है, सबसे पहले ना आप वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन को ट्राई करने की ट्राई करना, फिर आप अगर आपसे नहीं हो तो फिर आप सोल्यूशन इसका देखना कैसे करते हैं, इसको सोल्यूशन इसका सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें 2 डिजिट नंबर। अब भाई सेम थिंग, आप मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, यहाँ पे फिल करने के कितने वेज हैं, यहाँ पे फिल करने के बेसिकली 9 तरीके हैं, 9 नंबर ऑफ वेज, 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कितने हैं, 9 डिजिट्स, 9 डिजिट्स कैन बी फिल, 9 डिजिट्स यहाँ पे फिल हो सकते हैं। अब बात आती है इसकी कि मैम इसमें कितने हो सकते हैं, अगर इसकी बात करें हम, अब एक बात बताओ, 0 यहाँ पे फिल नहीं हो सकता, 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ठीक है, अज्यूम कर लो यहाँ पे हमने फिल कर दिया टू, ओके। अब अगर यहाँ पे टू आ गया तो यहाँ पे हम टू नहीं ले सकते ना, और टू के अलावा हम सारी चीज ले सकते हैं। और यहाँ पे फिल करने के वैसे नॉर्मल तरीके होते हैं टेन, लेकिन यहाँ पे हम टू फिल नहीं कर सकते, तो बच के कितने हुए नाइन। और नाइन कैसे, जीरो के बाद हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे भी नाइन वे हो जाएंगे नाइन, तो नाइन मल्टीप्लाई नाइन हो जाएगा 81, मतलब कि 81 नंबर है वो पॉसिबल है विदाउट एनी रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं होता है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको सोल्व कर लीजिए, मतलब पोज करके इसको उतार लीजिए। ये क्वेश्चन आपका हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। हाउ मैनी टू डिजिट्स इवन नंबर, पता है क्वेश्चन में क्या आएंगे, इवन नंबर दे देगा, ओड नंबर दे देगा, कंडीशन दे देंगे। पिछले वाले कंडीशन क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी कि रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मैनी टू डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। क्वेश्चन वही है कि टू डिजिट का हमें बताना है, लेकिन इवन नंबर होना चाहिए। सो बेसिकली हमें ले लिया कि ये हो गया बुक्स। अब ये बात करते हैं इवन नंबर। अब एक बात बताओ आप, इवन नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है, मतलब कोई भी नंबर इवन क्या कब होता है, जब वो टू से डिवाइड हो जाए। तो टू से डिवाइड मतलब क्या होना चाहिए, जब किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो टू फोर सिक्स एट, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये डिजिट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो नंबर क्या है, इवन नंबर। और नंबर कंडीशन क्या है, किसी भी नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 अगर आ रहे हैं तो उसको कहेंगे ओड नंबर। तो हमसे या तो इवन नंबर पूछा है, तो इवन नंबर कंडीशन ये होती है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट डिजिट को फिल करने के लिए कितने वेज हैं, फर्स्ट डिजिट को फिल करने के लिए कितने हैं भाई, 9। जीरो को छोड़ के फर्स्ट डिजिट में हम सारे नंबर है वो फिल आउट कर सकते हैं। सो 9 हमारे पास है, 9 कहेंगे। अब बात आएगी सेकेंड के लिए, सेकेंड के लिए हमें क्या चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर कौन से हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, सिर्फ 5 ही हैं। सो आंसर हो जाएगा 45 नंबर्स पॉसिबल है टू डिजिट नंबर में, वो भी इवन के। सो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। सिंपली आपको बॉक्स बनाना है, फर्स्ट वाली कंडीशन हमेशा 9 होगी क्योंकि 0 हम नहीं ले सकते। सेकंड वाले के लिए देखेंगे कि कंडीशन क्या दे, कंडीशन क्या पूछ रहे, इसमें इवन नंबर की पूछ रही, तो इस वाले में हमसे क्या पूछी थी, रिपीटेशन अलाउड है, जहाँ पे ये डिजिट यूज हो रहा है वहाँ पे वो सेम रिजल्ट यूज नहीं करना। सो ये क्वेश्चन हो गया, और ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे हमें आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब कोई भी एग्जाम ले लो आप। अब ये देखो, अभी तक हमने किसकी बात की थी, सिंपली टू डिजिट्स की। अब ये देखो क्वेश्चन का लेवल, हाउ मैनी 100 डिजिट्स, अब आएगा ना प्रेजेंट क्वेश्चन में इवन नंबर। ओके, इवन नंबर सिंपली हमें कुछ नहीं करना, आपको पता है इवन नंबर के लिए क्या करना है, तो कितने भी डिजिट्स का हम कितने भी डिजिट का हमसे नंबर पूछते, सिंपली फर्स्ट वाले में याद रखना है कि 9 डिजिट्स आएंगे, क्योंकि 0 हम ऐड ऑन नहीं कर सकते। और लास्ट वाले में कंडीशन होती है कि वो ओड है या फिर इवन है, तो फर्स्ट और लास्ट का ध्यान रखना, बीच वाले में तो हम कोई भी नंबर है वो फिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बॉक्स बनाते हैं, अब ये तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए 100, आपके लिए बॉक्स बनाओ 100 डिजिट का। सो हम अर्जेंट कर लेते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट हो गया कोई भी, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये चल रहे हैं ऐसे, और ये लास्ट हमारे पास दे गया, ये 100, ये 100 से डिजिट है यहाँ। सो आप बताओ अभी इस फर्स्ट वाले में भरने के लिए हमारे कितने डिजिट्स, हमारे पास 9 डिजिट्स, 0 को छोड़ के सारे ले सकते हैं यहाँ। अब एक बात बताओ सेकेंड वाले हम कितने भर सकते हैं, 0 भर सकते हैं, हाँ क्योंकि बीच में जीरो आने से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। हाँ पहले नहीं आना चाहिए, पहले 0 आ गए तो फिर 99 डिजिट्स नंबर बन जाएंगे। तो सिंपली सेकंड वाले के लिए 10 डिजिट्स हैं, थर्ड वाले के लिए भी 10 है, फोर्थ वाले के लिए भी 10 है, ऐसे ऐसे करके 10 डिजिट्स हमारे पास। अब बात आती है लास्ट वाले की, इस वाले में क्या करेंगे, सिंपली इवन नंबर पूछ रखा है, मैं वापस रिपीट करूँगी, इवन नंबर कितने होते हैं, 5, 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो सिंपली कितने वे हैं, 5 बन के हैं, समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो इसमें बढ़ने के 9 वे, इसमें
इसमें फर्स्ट वाले मंडे के 9 करेंगे, सेकंड वाले मंडे के 10, अगले वाले में 10, अगले वाले में भी 10, और हमें इनका 10 कहां तक है, लेकिन ये पता है कि 99 तक ये 10, और 100 की अगर हम बात करें तो ये करेंगे 5। अब एक बात बताओ सिंपली, हमारे पास 100 डिजिट का एक नंबर है, मतलब 100 डिजिट का एक नंबर बनाना है, फर्स्ट वाला हटा देंगे क्योंकि फर्स्ट वाले में कंडीशन फिल हो चुकी है 9, सेकंड लास्ट वाले में 5। अगर दोनों दोनों दो डिजिट में कंडीशन फिल हो चुकी है तो फिर हमारे पास कितने डिजिट्स बच गए, 90। आई होप समझ लो, मतलब यहां पे 10 कितनी बार आएगा, 98 टाइम्स, तो सिंपली 9 5 45 95, या उसको ना माइनस 9 5 45 5, और ये 10 कितनी टाइम्स है, 90। आई होप आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपके लिए, एक वर्क है कि आप ना 99 डिजिट्स का नंबर फाइंड आउट कर, कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाले में 9 मिली, लास्ट वाले में वही 5 हो जाएगा, बीच वाले में बता देती हूँ 10 की पावर 97 हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, मैंने बिल्कुल बेसिक पार्ट से बिल्कुल आपको सब चीज समझाई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं है हमारा बेसिकली टॉपिक है, और इस टॉपिक से हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैंने बता रही डिविजिबिलिटी टू हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कहीं कहीं है ना इसमें यूज हो रहा है नंबर सिस्टम में, जो चीजें यूज हो रही है मैं आपको वो सब चीजें करवा रही हूँ। सो टॉपिक क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। आई होप आपको 3 के बारे में तो पता हो, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो मैं आशा करती हूँ आपको भी राइट टर्म समझ में आ रही होगी, ट्राई तो मैं पूरा करती हूँ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, रूल क्या है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कि एग्जाम्पल हर से एक नंबर है 2 3 5 9 8 0, हमें अब पता करना है कि ये डिवाइड, ये नहीं करना कि कितना रिमाइंडर कितना क्या है, सिंपली ये फाइंड आउट करना है कि ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा तो है नहीं उसको हम डिवाइड करेंगे पूरे से, नहीं, सिंपली रूल क्या है कि सम ऑफ ये डिजिट्स कर लो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहे होंगे तो ये नंबर 3 से डिवाइड। क्या करेंगे इफ सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स, इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 3 देन द नंबर इज ऑल्सो divided by 3। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है, कि यदि कोई भी नंबर है उसके अंकों का हम जोड़ करेंगे, और अंकों का जोड़ करने के बाद यदि वह नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 के बारे में बता रही थी, हमारे पास क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या है, सेम है, फर्क क्या है, बस डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, नौ का विभाजक, विभाजक ही बोलते हैं, विभाजन नियम क्या है, सेम 3 की तरह है, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिवाइडेड बाय 9, अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखा है उसका हम सम करेंगे, अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरे के पूरे जो नंबर है वो भी 9 से डिवाइड होगा। कोई भी रिपीट कर रही हूँ, कोई भी नंबर दे रखा है उसके डिजिट्स का हम सम करेंगे, अगर उनके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो 100% वो नंबर भी उनसे डिवाइड होगा। इफ द सम ऑफ डिजिट्स आर डिवाइडेड बाई 9,
then the number is also divided by, then the number is also divided by 9. I hope आपको समझ में आ गया होगा. मैंने बिल्कुल बेसिक वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है. मतलब इतना ज्यादा काम कर रही मैं, क्योंकि पता है किसी से पढ़ी हुई है सब चीजें मैंने, मतलब मैंने क्या सबने पढ़ी हुई होती है. सो एक होता है कि हम आपको यहाँ पे आए और हर एक जो बेफालतू की चीजें है ना वो मैं आपको बताऊँ, लेकिन नहीं, मैं आने से पहले 1 से 1.5 घंटा प्रीवियस ईयर चेक करती हूँ. मतलब चेक करती हूँ कि क्या प्रीवियस ईयर पूछा गया है. मतलब एग्जामिनर का जो मेन फोकस है वो किस पे होता है, ये नहीं कि बेफालतू मतलब सबको करवा रही हूँ या फिर ये टॉपिक है. अब इसमें चाहती हूँ टाइम वेस्ट कर सकती थी कि हाँ 20 से 25 एग्जाम्पल लिखते थी फिर उसके बाद रूल लिखवा रही फिर हिंदी ये सब चीजें. नहीं, जो मेन चीज है ना वो मैं आपको करवा रही हूँ. मतलब इतने कम टाइम में मैं आपको इतना कंसाइज, मतलब इतना अच्छा टॉपिक आपको कंटेंट दे रही हूँ, और मैं नहीं हमारी पूरी टीम आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रही है कि एग्जाम लेने वाले हर क्वेश्चन तो सोल्व हो गए. इस साथ में आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो, ऐसा नहीं है हमारे 20 से 25 मिनट पहले आपको बता रहे हैं हमारे बैच के बारे में, इस चीज के बारे में, ये चीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ मैं आती हूँ लेकिन ओवरव्यू देती हूँ, क्योंकि वो जरूरी है कि हमने लास्ट 3 क्लासेस में क्या पढ़ा है और हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या रहेगा. और ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की. सो ये हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल हो गया. अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसे क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको कर लीजिए. अभी हम आगे चलते हैं. अब है क्वेश्चंस की बारी, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे सामने है. आप भी रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल. वही क्वेश्चन सेम, वही कंडीशन क्या है कि फर्स्ट डिजिट इज 4. अरे भाई अगर फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 4 है, तो पहले हम 2 डिजिट का वो बनाते हैं. हमारे पास एग्जामिनर ने दे दिया कि फर्स्ट डिजिट हमें जो पहला अंक है ना फर्स्ट डिजिट वो तो हमें 4 लेना ही है. सिंपली कोई 4 ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, 4 एक डिजिट है. इसका सिर्फ एक ही तरीका है फिल आउट करने का. आगे क्या है, एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए. अब मैंने तभी आपको ये सब चीजें पढ़ाई है. तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो नंबर डिजिट्स है ना उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए. तो चलो करते हैं इसको. अब 3 के डिवाइड होने के लिए क्या है, देखो हमारे पास 4 एक नंबर है, 4 में हम यहाँ पे क्या प्लस करें कि 3 से डिवाइड होता है. तो देखो 1 प्लस अगर हमने किया ये हो जाएगा 5. क्या 5 3 से डिवाइड होता है, क्लियरली आंसर है नहीं. तो हम यहाँ पे 5 1 है वो नहीं ले सकते. अब बात करते हैं 4. अगर हमने 2 लिया 6, 4 प्लस 2 6, मतलब हम ये ले सकते हैं क्योंकि 6 है वो 3 से डिवाइड होता है. अब हम बात करते हैं 4 प्लस 3 7 नहीं होता डिवाइड, 4 प्लस 4 8 नहीं होता, 4 प्लस 5 9. ये होता है. अब 4 प्लस 9 लेंगे 13, डिवाइड नहीं होगा. 4 प्लस 9 के बाद तो डिजिट पॉसिबल है नहीं, डिजिट हमारे पास 0 से केवल क्या होते हैं 9. मतलब कि मैम यहाँ पे फिल करने के कितने तरीके हैं, तो 2 फिल कर सकते हैं हम, एक 5 फिल कर सकते हैं और एक 8 फिल कर सकते हैं. इसके अलावा आप देख मेरे अकॉर्डिंग कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है. 3 ही वेज है, या तो क्या कर सकते हैं 2 फिल कर सकते हैं या फिर 5 कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं, मतलब कितने वेज हैं 3 तरीके. सो नंबर कितने बनेंगे 1 मल्टीप्लाई 3, मतलब कि ऐसे केवल 3 ही नंबर पॉसिबल है. वो 3 नंबर क्या है वो मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूं. देखो फर्स्ट वाले में तो 4 ही लेना है, बिल्कुल कंडीशन दे रहे हैं. सेकंड वाले में 2 ले सकते हैं, 4 0 नहीं ले सकते. देखो 4 0 ले सकते हैं, 0 नहीं, 4 के डिवाइड नहीं होता, 4 1 नहीं, 4 2 हाँ ले सकते हैं, 4 3 भाई नहीं होता डिवाइड, 4 4 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 5 4 6 नहीं, 4 7 नहीं होता, 4 8 होता, 4 9 नंबर कितने आए 1 ये हो गया, 4 के बाद 4 5 तो ये हो गया 4. देख लीजिए अगर इससे भी कोई अगर आसान भी हो, मतलब इतने मैंने बेसिक पार्ट्स आपको करवा दिया है कि इस तरीके से
किसी टू डिजिट की जगह पे थ्री डिजिट पूछ लेगा, कंडीशन भी देगा, डिस्कस भी करेंगे हम आगे। सो बेसिकली मतलब इस इन क्वेश्चंस का कंक्लूजन क्या, मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी नंबर, कितने भी डिजिट का नंबर पूछ सकता है आपको, 3, 5, 9, 11, 1000 कितने भी नंबर का पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं है वन आपसे कुछ अलग ही पूछ लेगा कि कसम अगर हमने 100 डिजिट ले लिया उनका सब पता हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनर भी जानता है कि क्वेश्चन एक क्वेश्चन का 30 से 50 सेकेंड टाइम होता है, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन देगा उसमें 20 से 25 मिनट वगैरह, ऐसा नहीं होगा। सो एक टू डिजिट का नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है और सेकंड कंडीशन हमसे फिल आउट करवा रखी है और इंडिविजिबिलिटी रूल 3 हम पहले बन चुके हैं। सो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाउ मैनी थ्री डिजिट्स, अरे वापस थ्री डिजिट आर पॉसिबल, ओके इफ फर्स्ट डिजिट इज 9। उस क्वेश्चन में क्या था, इस फर्स्ट डिजिट इज, इसमें क्या है, फर्स्ट डिजिट इज 9 था और सिर्फ हमने आसानी से निकाल दिया था। अब की बार क्या है कि 9 हमें पहले फिल आउट करना है और ये मान लो एक्स, मान लो इसको ये मान लो y, मतलब ये दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। क्या बात है, अब एक बार देखो 9 है ना, जो 9 नंबर यहाँ पे फिक्स है, मतलब 9 हमें निकला, यहाँ पे क्या आएगा, 9 क्या 3 से डिवाइड होता है, आपको कोई यस मैम 9 है वो 3 से डिवाइड होता है। तो सिंपली ना इसको भूल जाओ, सिंपली इस नंबर को भूल जाओ, क्योंकि 9 तो डिवाइड होता है, अगर इसकी जगह 8 होता तो वो डिवाइड नहीं होता 3 से, तो फिर हम इसमें 8 प्लस समथिंग समथिंग लेते, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 4 लिया था, 4 3 से डिवाइड नहीं होता इसलिए हमने 4 में प्लस करके ले ली। अगर यही 4 की जगह हमारे पास 3 होता तो सिंपली हम इसको भूल जाते हैं, सिर्फ इस नंबर की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या नंबर आएंगे। आई होप आपको ये चीजें है वो समझ आ गई हो। सिंपली 9 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको हम बेसिकली भूल जाएंगे कि क्या चीज है, सिर्फ इन चीजों को हम लेके चलेंगे एक्स और वाई। अब एक बात बताओ एक्स और वाई यहाँ पे हम क्या नंबर फिल कर सकते हो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 0 0 कर सकते हैं, देखो 9 तो फिक्स है, 0 0 क्या 3 डिवाइड हो रहा है, कैसे पता, अब जाहिर सी बात है कोई भी नंबर आप 0 0 शुरू करोगे आप पहले इसके अंदर डाल के देख लीजिए इनके डिजिट्स को और फिर 3 से डिवाइड कीजिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है और नहीं हुआ तो फिर हम इसमें 0 1 डालेंगे 0 2। अगर हमारे से अगर फर्स्ट 0 0 है, सेकंड 0 3 है, मतलब 3 का गैप आ रहा है, तो 3 का गैप 3 3 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 50। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा लास्ट नंबर तक। लास्ट नंबर क्या होता है डिजिट्स का, 9 9। तो पहले यहाँ पे 9 9 डाल के देखो, उसके अंदर यहाँ पे भी 9 है, देखो 9 9 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 3 आ रहा है, तो मतलब कि 9 9 हमारे पास लास्ट नंबर है 9। अब आपको मतलब कुछ स्टूडेंट्स अब यही समझ गए होंगे कि मैम ये तो हमारे पास क्या बन गया, नंबर ऑफ टर्म्स वाला, तो मैंने आपको दूसरी स्लाइड पे करवा दिया, फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि लेकर नंबर ऑफ क्वेश्चन का होगा ये, अगर यहाँ से ये होगा ये देखो नंबर ऑफ टर्म्स कुछ दिख रहा है आपको, 3 5 7 9 कुछ ऐसी लिस्ट वहां पे भी ना, सेम लिस्ट वहां पर भी है, पर डिफरेंस क्या दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो वैसे वहां पे डिफरेंस देखें वहां पे किसका डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है और हर एक डिजिट में क्या है, 3 3 का, हर एक नंबर में 3 3 का डिफरेंस है, तो मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला है वो लगेगा। तो चलते हैं अभी हम आ गया हमारा कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, तो बेसिकली हमें क्या बताना है, एक्स और वाई की जगह क्या क्या नंबर ले सकते हैं, तो हमें पता है 0 0 3 0 6 0 9 ले सकते हैं, पर अभी ये नंबर नहीं पता कि यहाँ पे कितनी और टर्म्स आएंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है वो पहले से बना हुआ है। तो फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैंने कहा था ना कि मैं आगे डिस्कस करूंगी आपसे फॉर्मूला, तो
ये एक राइट समय है, राइट टाइम है इसको डिस्कस करने की. अब क्योंकि मैंने उस टाइम क्यों नहीं लिख पाया, एक मैंने आपको ए एन के बारे में बताया, ए के बारे में, डी के बारे में, एन के बारे में, सो एक मिक्सअप हो जाता है इस चीज़ें. तो अभी क्या है, क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन आने के बाद फॉर्मूला लिखने में क्या है आपको लाइफ टाइम याद रहेगा मुझे. अभी ना मैं पहले करवा देती हूँ, फिर उसको बताऊंगा आपको. अब देखो ए एन क्या होती है हमारे पास, लास्ट टर्म, मैंने आपको अभी डिस्कस किया, लास्ट टर्म है 99 equals to a is the first term क्या zero plus n minus one, n का भी क्या करना है find out करना है, n क्या है number of term, d क्या है common difference, सबके बीच में क्या common आ रहा है, इधर minus लेंगे 99 minus zero 99 होगा equals to n minus one और three multiply में यहाँ आपके divide हो जाएगा 99 by 3 33 n minus one है plus one उधर हो जाएगा वहाँ जाके n equals to 30, मतलब कि 34 digits हैं total इसके अंदर. Total कितने हैं 34, तो यहाँ पे फिर करने के कितने पेज हो जाएंगे 30, क्योंकि यहाँ तो ये वन ही है, 34 multiply पर अगर हम करेंगे तो 30. I hope आपको ये सब चीजें clear होंगी, क्योंकि मैं formula बता रही हूँ आपको वापस से. an equals to a plus n minus 1 into d, मतलब last term equal to first term plus n minus 1 into d. अब ना कुछ कहीं कहीं अगर कहीं से भी आप देखोगे या फिर कहीं से भी, तो ना कुछ टीचर्स या फिर कुछ भी आप मान लो, आपको ना कुछ वो बताएंगे, मतलब उसकी ट्रिक बताएंगे. अब ट्रिक तो जाहिर सी बात है, फॉर्मूले से तो आते होंगे, फिर ट्रिक कहीं और से मिल गई तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट n निकालने का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, कि a n minus a upon b plus equals to n. आपको ना ये बताएंगे, अब एक बात बताओ जाहिर सी बात है, a n minus a इधर इसको माइनस करेंगे तो a n minus a b मल्टीप्लाई में डिवाइड भी हो जाएगा प्लस वन माइनस वन, इधर हम बोलते हैं क्या जाएगा प्लस वन. तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास हो जाएगा. अब एक बात बताओ, इतने सब चीजों को याद रखोगे फिर जाहिर सिंपली ये फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेंगे कि लास्ट टर्म इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d, और इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ टर्म्स है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, सबसे पहले तीन डिजिट नंबर मतलब थ्री बुक्स हम बना लेंगे, जो ना क्वेश्चन में क्या रखा है वो डिस्कस वो हम कर लेते हैं. हो गया थ्री नंबर, आर पॉसिबल इफ फर्स्ट डिजिट डिजिट्स लेगा, फर्स्ट डिजिट इज 5, अगर पहला अंक है वो 5 है, कंडीशन यदि पहला जो नंबर है ना वो 5 ही है, मतलब एक ही है इसको फिल करेगा, एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. अब इंटरेस्टिंग है, पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था 9 आउट था, तुमने कट आउट कर लिया क्योंकि 9 है वो 3 से डिवाइड होता है, बट अब की बार 5, और 5 आपको पता है ना 5 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो अब क्या करेंगे, मैं आपको काफी इजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूं. 5 हमारे पास फिक्स है, यहां पे नंबर ले लो 0, यहां पे ले लो 00, पहले आप 00 फिल करो. अब आपको बताइए क्या 500 है मैम, क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ डिजिट्स कर लो, 5 प्लस 0 प्लस 0 5, मतलब कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड. अब इसके बाद क्या है कि 501 लो, 501 सिंपली इसको प्लस करो इनके डिजिट्स को, 5 प्लस 1 6, यस मैम 6 3 से डिवाइड होता है, मतलब कि ये नंबर भी 6 से डिवाइड. अब जाहिर सी बात है हमें एक सीरीज पता चल गई कि 501 है वो पहला नंबर है जो से डिवाइड होगा 3 से, तो हम सब में 3 3 प्लस करते जाएंगे, तो 501 में 3 प्लस करेंगे तो 504, सम ऑफ डिजिट करो 5 प्लस 4 9 होगा, सम आगे 507, 503 प्लस करेंगे तो 510 होगा, 510 और सम ऑफ डिजिट करके देखो 5 प्लस 1 मतलब कि 6. समझ में आ गया होगा आपको ये सब चीजें. अब देखो मैं आपको अगर ठीक है 501 504 507 510 ये हो जाएंगे, मतलब इसका मतलब है 5 तो फिक्स है, मतलब कि हम 01 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 04 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 07 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं, लेकिन कहाँ तक लिख सकते हैं आपको वो बताते, देखो 501 502 504 507 510 510 कहाँ तक है ये, सबसे पहले 99 लेके देखो, यहाँ पे देखो 5 तो फिक्स है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 लेके देखो, ओके आप इनको सम करो,
जीरो जीरो वन लेंगे तो फिर क्या वन डिवाइड होता है? नहीं, तो नेक्स्ट लिख दिया जाएगा नाइन, अगला होगा नाइन के बाद एटीन, मतलब सिंपली नाइन नाइन को आपको प्लस करना है, नाइन एटीन हो गया और ये कहां तक जाएगा? लास्ट नंबर जाएगा नाइन नाइन नाइन, कैसे इसको इनका सम करो, नाइन 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 नो किया सत्ताईस, तो उसको नो से काटेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब कि ये डिवाइड हो रहा है नाइन से। आपको ना देखो मैं मेरे को पता है कि कुछ स्टूडेंट की समझ में नहीं आ रहा ये चीजें कि क्या है, कि बेसिक पार्ट मैंने आपको पहले, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले डायग्राम बनाना है, अब देखना है कि ये नंबर्स का सम क्या है, अगर ये नाइन या फिर नाइन से डिवाइड होने वाला आ रहा है तो इसको सिंपली हमें हटा देना है, बचे नंबर को हमें एक्स वाई और जेड मान लेना है, एक्स वाई जेड। मैंने आपको कंडीशन बताई है नाइन के लिए कि सम ऑफ डिजिट्स अगर नाइन से डिवाइड हो रहे हैं तो कंप्लीट डिविजन भी नाइन से डिवाइड होगा, तो सम ऑफ डिजिट क्या है? तो सर जीरो 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 लेंगे, अब जीरो 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 क्या नाइन से डिवाइड हो रहा है, सिंपली उसमें नाइन प्लस कर देंगे, उसके बाद नाइन प्लस कर देंगे, नाइन प्लस। अब मेन कंडीशन लास्ट डिजिट्स की क्या लेंगे, सबसे बड़े नंबर लो नाइन नाइन नाइन, क्या नाइन से डिवाइड हो रहा है? अगर ये नहीं होता तो हम क्या करते, नाइन 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 की जगह एट लेते, अगर ये नहीं हो रहा तो नाइन नाइन सेवन लेते, फिर सिक्स लेते, और कोई ना कुछ में जाहिर सी बात है डिवाइड हो जाएगा तीन चार नंबर के बाद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइन नाइन नाइन। अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है, सिंपली क्या लगाना है आपको, फॉर्मूला लगाना है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म क्या है नाइन नाइन नाइन, फर्स्ट टर्म क्या है जीरो, फॉर्मूला क्या है एन माइनस वन, तो डिफरेंस क्या है नाइन, इसमें से माइनस करेंगे नाइन नाइन आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, नाइन 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 डिवाइड बाई नाइन इक्वल्स टू एन माइनस वन, इसको डिवाइड करेंगे तो वन वन वन, उसको प्लस करेंगे वन, तो एन इक्वल्स टू वन वन टू वन, मतलब इतने नंबर्स है वो पॉसिबल है जिसमें फोर एंड फाइव डिजिट फिक्स रहेंगे और जो सम ऑफ डिजिट्स है वो, मतलब जो नंबर है वो नाइन से डिविजिबल होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सो यही हमारे पास क्वेश्चन थे, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इनफ होंगे आपके लिए, और कल हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज हमने बेसिकली क्या सीखा, आज हमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन में क्या है डबल डबल रूल हो रहे हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है, आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए थ्री और नाइन का, नंबर वन हो गया। सेकंड चीज क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला का पता होना चाहिए, सो नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड आउट करना सीखा, डिविजिबिलिटी रूल हमने सीखा, हमने आज 10 से 12 क्वेश्चन हम कर लिए हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आई होप आप उसे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे, और ये हमारी आज की बातचीत थी, और कल हम नए टॉपिक के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, उनकी लाइक यूज भी करेंगे, रिस्पेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे, और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और थैंक यू वेरी मच आपने फर्स्ट वीडियो को सेकंड अच्छा, मतलब उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हो, और काफी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हाँ मतलब आप बिल्कुल बेसिक पार्ट से करवा रहे हो, यही खास बात है कि मैं बिल्कुल बेसिक पार्ट से करके, अब देखो हमने कहा डिजिट से शुरुआत की तो हम ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए जो प्रीवियस ईयर में, मतलब उनका लेवल काफी अच्छा है, उनको भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं, सो यही खास बात रहेगी कि हम बेसिक से लेके अपर लेवल तक जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अरे भाई कर दो मतलब, ताकि आपको कोई भी वीडियो आ रही है उसका तब भी नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, और जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली सुबह और जो इस सारे क्वेश्चन अगर मतलब पहले आप खुद से ट्राई करना, अगर फिर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर ये पीडीएफ है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सो बेसिकली आप पुलिस वाला क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल उसको सर्च करना, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक अगर आपने देखा है, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू वेरी मच फॉर द टीम ऑफ पुलिस वाला, बाय बाय, कल मिलते हैं, थैंक यू।